हम लोग दरअसल अभी आए हुए हैं टोंक ज़िले के निवाई इलाके में, तभी ये भाई साहब मिल गए। दरअसल मैं थोड़ा गुजर फैक्टर चेक करने आया हूँ, ये गुजर बहुल इलाके हैं, कि सचिन को लेकर जो गुजरों की नाराज़गी की बात की जा रही है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अचानक गुजर का जिक्र किया, उसका क्या असर है। तो ये भाई साहब दिख गए, अलग क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम पूरा नाम? बस यही पूरा नाम। आप भी गुजर हो ना? हाँ। तो गुजरों का सबसे बड़ा गांव यहाँ कौन सा है, बगल में कौन सा गांव गुजर? यही से बड़ा गाँव है, हरबाव तो हाँ, वो हाँ उधर ही जा रहे हैं। तो ये कुछ लेके इतना बड़ा डंडा खड़े थे, मैंने कहा क्या है, तो इससे कटिंग करते हैं क्या, काटते हैं ऐसे, देखते हम काटते हैं इसको। अरे यार हमसे तो नहीं कटा, आपसे कट जाएगा, एक और काट के देखते हैं। ऐसे रखा, ओ ये तो कट नहीं रहा गुरु, ये तो बड़ा मुश्किल, कट गया हो, कट गया। उधर वाला काटते हैं, ये वाला काट के देखते हैं अभी। ये ऐसे रखा, ऐसे ठिकाया और अच्छा काटो, आप काटो तो कैसे काटते हो, काट के क्या करते हो, इसको ले जाते हो काट के? नहीं, देसी मुड़ा काटा थी, काटो ये काटा थी। हाँ ओ वो सब काटते हो? हाँ ये ईशा बोलिया ये खाओ जानवर। तो क्या करते हो काट के? बकरिया चरा वहाँ से और कहाँ कर। तो ये बताओ इधर सब चुनाव में इधर गुजर लोग क्या कर रहे हैं इस बार, कहाँ नहीं कर रहे हैं चुनाव प्रचार कर रहे थे? हैं प्रचार कर रहे थे, प्रचार है। प्रचार हाँ, अब छोटो माल छोड़ा चशुखा की। हाँ हाँ इनका जानवर उधर जा रहा है, इनको वो चिंता हो रही है। वैसे उन्हीं से फिर पूछ लेते हैं एक बार, गांव का नाम कौन सा बताया जो गुजर वाला गांव है? हरबावता। हरबावता तो हरबावता हम जाएंगे। और इन्होंने इससे बताया कि हमसे तो कटा नहीं ठीक से, लेकिन इसका पर्पस ये होता है कि लेके चलते हैं। और ये वो पेड़ को क्या कहते हैं, बड़ा वाला जो पेड़ है? बम्बूर है, बम्बूर। बम्बूर उस पेड़ से ऐसे करके काट देते हैं, और बकरियाँ वहाँ देखिए है, बकरियों के लिए चारा काट के नीचे डाल देते हैं, और फिर वो बकरियाँ खा रही है, और तब तक अपना ये चारा काटने पेड़ काटते हैं दरअसल चारा, हाँ बकरियों के लिए चारा। तो ये तो ठीक है, आप चारा काटो, हमसे तो कटेगा नहीं। इसको ऐसे रखते हो, ऐसे इधर से कैसे रखते हो इसको, ऐसे ही रखते हो? तो हम आपके गांव जा रहे हैं अभी। आप लोग ये कितने दिन भर ऐसे चराने का काम करते हो, फिर शाम को ले जाते हो? और कौन? तो सारा बकरी अपनी है, सारी बकरी अपनी? अच्छा, तो फिर क्या इसका दूध देती है बकरियां सब? फिर दूध बेचते भी हो? ये ऐसा दूध ना बेच भी दें, बेच भी दें। तो इतना लग रही है, 3, 3, 6, 3, 9 एक 10 बकरियां हैं। उधर उधर की तस्वीर भी दिखाओ तुम लोग, थोड़ा सा वो भी दिखाओ। हाँ तो 10 या 11 बकरी, कितनी बकरी है आपके पास? 11 बकरी। 11 बकरी है, तो सब मिला के कितना दूध होता है? 11 लीटर तो मानो है, 11 लीटर होता है। तो उसमें कुछ रखते हो, कुछ बेचते हो? नहीं खाओ बाबे राख ले जाए, कोई बेच भी दें साउंड। कैसे लीटर बकरी का दूध बिकता है? ये 40-50। 40-50। तो अब ये बताओ खेती भी आपकी? कितना खेत है? खेती तो थोड़ी सी कोई है, 5-4। घर परिवार में और कौन है? 6 ने बच्चे। कितने? 2। 2 क्या करते हैं वो लोग? यही कोई धंधा पानी। धंधा पानी तो हम आपके गांव जा रहे हैं, ये जरा बताओ वैसे तो गांव में आपका क्या चल रहा है इस बार, वोट का क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं सब? अजी वोट तो कोई बीजेपी भी खड़े, कोई कांग्रेस भी खड़े। हाँ ये तो दोनों पार्टी का आदमी, दोनों पार्टी का अपने पार्टी का ही लाओ। गुजर कितने गांव में? 200 घर हैं। तो मैं चूंकि गुजर गांव की तलाश में आया हूँ, और कहानी ये है, आ रहे थे वो आदमी जाओ जाओ वो बताओ, हाँ उन सबसे भी बात करेंगे। कैंडिडेट कौन है कांग्रेस का? प्रशांत बैरवा। बीजेपी से? बीजेपी से रह कर बताओ ना। बीजेपी से है प्रहलाद, नहीं नहीं राम साहेब वर्मा है, और एक कोई प्रहलाद बैरवा भी खड़ा हो गया कांग्रेस का जो RLP से है। तो ज़्यादा किसका चल रहा है इधर गुजर सब, ज़्यादा किसके तरफ लिख रहे हैं? ज़्यादा तो न्योड़ी मानो है, जनता पार्टी है, जनता पार्टी ओड़ी मानो, जनता पार्टी में ज़्यादा क्यों? कांटे भी लहर से तो कट जाएगी है, लहर बैरी से। लहर किसकी? लहर जनता पार्टी की ज्यादा ही हरी जी। अच्छा अब पिछली बार किसका था? कांग्रेस का। पिछली बार तो प्रशांत ने जीता है गुजरी से। हाँ। तो पहलगाने पिछली बार प्रशांत को गुजर ने जिताया। हाँ। इस बार प्रशांत के साथ कितने हैं? कितने कम से कुछ है कुछ नहीं है? हाँ। ज्यादा किधर है अब? ज्यादा वो तो कांटे वोट पड़ा तो पड़ा, अब
अब ये प्रशांत बैरवा की कहानी है कि प्रशांत बैरवा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, एससी की सीट है, पिछली बार वो जीते थे, टोंक जिले की 4 सीट है, 4 में से एक बीजेपी की सीट थी, पिछली बार जीती थी, 3 कांग्रेस जीती टोंक में, जिसमें टोंक की सीट सचिन पायलट जीते और एक तरह से बहुत मजबूती से जीते, 54,000 वोट मिला टोंक में, उनको घेरने की भी कोशिश की, यूनुस खान को उतारा बीजेपी ने, फिर भी सचिन पायलट जीते, पहली बार विधायक सब का चुनाव लड़े और जीते, उसके पहले सांसद रहे, दौसा से हारे भी खैर, लेकिन इस बार अब बात चुकी गुजर वोट की बहुत हो रही है और 7 विधायक हैं गुजर समाज के कांग्रेस के, 8 टिकट दिए थे कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जिसमें 7 जीते, बीजेपी का एक भी गुजर विधायक नहीं है, पिछले 2018 के चुनाव में मेरे ख्याल से 7 टिकट बीजेपी ने दिया था लेकिन कोई जीत किसी को हासिल नहीं हुई, तो इसलिए चूंकि गुजर वोट अचानक बहुत निर्णायक माना जाने लगा, प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी सभा में राजेश पायलट का जिक्र करते हुए कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, और उनके साथ नाइंसाफ़ी इसलिए हुई क्योंकि गांधी परिवार के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, या सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़े, या सोनिया गांधी से मुखालफत की, या और सब नरेंद्र मोदी का बयान आया जिसका जवाब सचिन पायलट ने भी दिया है कि वो राजनीति ना करें, हमारा गांधी परिवार से कांग्रेस से जो रिश्ता है वो हमारी चिंता करते हैं, इसमें किसी और को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अशोक गहलोत ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ये गुजर समाज को बांटने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से एक बयान आ गया कि गुजर आंदोलन जब हुआ था 70-72 गुजरों पर गोली चलाई गई थी तब वसुंधरा की सरकार थी, तो अचानक गुजर जिक्र में आ गए हैं, और ये लगातार अगर पहले की भी थोड़ी बात करें तो लगातार जब से सचिन और सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में टकराव तब से ये बात हो रही थी, लेकिन अब चुनाव में इसका जिक्र ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं चला के जरा कुछ गुजर बहुल गांव में जाऊं, तो टोंक में जो निवाई सीट है जहां गुजर की तादाद ठीक ठाक मानी जाती है, ये भी है, रमेश मिधूरी की तैनाती यहां इसलिए की गई थी कांग्रेस के जो उम्मीदवारों को हराने के लिए कहें, या बीजेपी का झंडा बुलंद करने के लिए कहें, या सचिन के गढ़ में जो गुजर समर्थन है कांग्रेस को या सचिन को उसमें सेंध लगाने के लिए कहें, रमेश मिधूरी की तैनाती यहां की गई थी, चूंकि वो गुजर नेता हैं, दिल्ली के हैं, सांसद हैं, तो वो भी लगातार टोंक के प्रभारी, चुनाव प्रभारी के तौर पर बीजेपी की तरफ से काम कर रहे हैं, तो अब सवाल वही है कि गुजर इस बार क्या करने वाले हैं, इसलिए इनसे गाँव का नाम पूछा। आपका गाँव कौन सा है? बुरुटिया। क्या नाम हुआ? पप्पू चौधरी। पप्पू चौधरी, तो विधानसभा कौन सी? निवाई। निवाई, तो निवाई में इस बार जरा समझने में आ गए, इनसे ऐसे पूछने लगे इधर किसका क्या चल रहा है माहौल? प्रशांत बैरवा। प्रशांत बैरवा, लोग कह रहे हैं गुजर सब नाराज हैं प्रशांत बैरवा से, ये है ना? अच्छा, फिर भी अच्छा है, लेकिन नाराज हैं, ऐसा है कि नहीं है? है? क्यों नाराज है? वो सचिन पायलट के चक्कर में। क्या सचिन पायलट चक्कर में? गहलोत के साथ थे। हाँ, तो सचिन पायलट जी नाराज हो गए। हाँ, यही कहानी है कि प्रशांत बैरवा गहलोत के साथ थे तो गुजर उन कांग्रेस के उम्मीदवारों से, विधायकों से, मंत्रियों से नाराज है जिन्होंने सचिन पायलट का साथ उस समय नहीं दिया जब वो बगावत का दौर था। वही मामला है ना, तो प्रशांत बैरवा को हराने का काम भी गुजर कर रहे हैं। इधर नहीं जीतेंगे। जीतेंगे बिल्कुल। तो यहाँ जो एससी सीट है इसमें एससी वोट भी काफ़ी है मेरे ख्याल से, 40-50,000 एससी वोट होगा शायद, है ना? 40-50,000। हाँ, और गुजर कितना है? 36,000 गुजर है। अब बाकी किस समाज के लोग हैं? जाट है ना? जाट है। 26,000 जाट हैं। तो ये बाकी सब लोग का क्या रुख है इधर? देखो, जाट, बैरवा, हाँ, मीणा, हाँ, सब कांग्रेस। सब कांग्रेस तो नहीं होगा, कुछ 19-20 है। हाँ, मतलब 80% कांग्रेस, 20% में RLP और बीजेपी। अब चलते हैं जरा गुजर का गांव बताइए आसपास कौन सा है। ये हरबौथा। कौन? हरबौथा। हरबौथा, और यही मिल जाएंगे डाबे, है ना? हाँ, वहाँ भी लोग मिल जाएंगे, वहाँ भी जाते हैं, और वो भी, और ये भी कि 2013 में जब सचिन नहीं आए थे दौसा, मतलब सचिन की जिम्मेदारी 2018 में जब चुनाव लड़े विधायक के तौर पर जीते, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उसके पहले 2013 के चुनाव में टोंक की बात करो, 2013 के चुनाव में टोंक जिले की 4 में से एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीती थी। स्थितियां बदली 2018 में। अब जरा चलेंगे वहां भी, और उसके बाद एक दो गांव भी चलते देखने के लिए। बुलाया जाए, गाड़ी बुलाइए, वो चले गए बकरी लेकर खेत में, चूँकि उनको चारा भी बकरी के लिए काटना है और गाँव जाना है। चलते हैं, गाड़ी बुलाइए।
चलते हैं जरा देखते हैं उस टोल के पास कुछ लोग मिलेंगे तो वहाँ टोल के उस तरफ, फिर हर बौथा और चार पांच गांव की लिस्ट लेकर मैं आया हूँ जहाँ गुजर, जिन गांव में गुजर मतदाता है वहाँ जरा चलते हैं। देवली उनियारा एक सीट है, उसका भी जिक्र बहुत हो रहा है। देवली उनियारा से कर्नल बैसला के बेटे विजय बैसला चुनाव उम्मीदवार में हैं, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार, हरीश मीणा कांग्रेस के हैं। वहाँ भी विक्रम गुजर एक आरएलपी के बागी खड़े हो गए, वहाँ भी गुजर है। तो मैं देखता हूँ कहाँ जा पाता हूँ, चूँकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, वक्त कम है, गाड़ी बुलाओ चलते हैं। ठीक है, गांव की तरफ जा रहे हैं। किसी ने बताया कि वहाँ गुजर की आबादी ठीक ठाक है, बाकी समाज के भी लोग हैं, एससी और बाकी लोग भी रहते हैं ना हर बोता में? नहीं, सब गुजरी गुजर रहे, गुजरी गुजर है। अच्छा, तो कितने वोटर हैं हर बोता में? कतवा लगभग आप लोग है? 1000 है। हाँ, तो ये दो बाइक वाले यहाँ जा रहे थे, मैंने रोक लिया गांव की सड़क की, पूछते हुए गांव का रास्ता। क्या नाम हो आपका? राजेंद्र शर्मा नाम। राजेंद्र? राजेंद्र। आपका? हरिराम गुजर। हरिराम गुजर। तो हरिराम गुजर साहब, ऑफिस पहले पूछ लेते हैं। हाँ सर। तो हम लोग तो पता करने आए कि गुजर इस बार क्या सोच रहे हैं, पिछली बार और इस बार में क्या फ़र्क हुआ है? देखो साहब, पिछली बार में अब की बार में बहुत ज़्यादा फर्क है। हाँ, अब की बार बीजेपी आ रही है। क्यों? कांग्रेस वाला ले बैठे, और तो कहीं मतलब? कांग्रेस वालों ने ले बैठे हैं, मतलब? इसमें सहारा नहीं है कांग्रेस में, मजबूरी हो गई है बीजेपी को लाना। क्यों? इनका रवैया ठीक नहीं है, बात करने का ठीक नहीं है हमारे विधायक मोदी जी का, और मिलते नहीं है। जीतने के बाद में हमने देखा ही नहीं, प्रत्याशी को देखा नहीं कैसा है। अच्छा। हाँ, प्रशांत बैरवा को? प्रशांत बैरवा को देखे नहीं। अच्छा, अब भी बस फिर वापस ये चुनाव आने के बाद में बस वोट लेने आए हैं बस। अच्छा, नहीं तो पहले वोट लेने गए थे। हर पार आदर्श ने दियो है अंडा आ रही है भाई, कहीं बात सर मरिया जग जीरा जग कहीं कराऊँ कहीं न कराऊँ। अच्छा, लेकिन ये बताओ, आप लोग पहले तो वोट दिए पिछली बार 2008 में कांग्रेस को टूट के सारे? हाँ, लगभग सारे गांव के पूरा बिल्कुल साहब, वो तो पूरे कांग्रेस में दिए थे, पायलट साहब की वजह से दिए थे पूरा। हाँ, पूरा जितना वोटर है बिल्कुल बिल्कुल 100 के 100 पूरे, मतलब 1000 वोट थे के पूरे के पूरे पायलट साहब के थे। तो भाई पायलट साहब तो इस बार भी तो आप लोग के लिए वोट मांग रहे हैं, सबसे जिताने की अपील कर रहे हैं, कैंडिडेट के लिए जा रहे हैं, सभा कर रहे हैं सब। तो पायलट साहब अभी भी कांग्रेस में ही है, तब भी कांग्रेस में थे है, लेकिन अभी भी पायलट साहब के लिए ही है, अब इनके लिए नहीं है। इनके जो समर्थक है, जो ये विधायक है ना इनके, ये जो जो आते नहीं है, राम श्याम ही नहीं करते इस पार्टी में, ये केवल पार्टी में केवल पायलट साहब ही ऐसे मात्र आदमी है जिनकी वजह से कांग्रेस में वोट जाते हैं, नहीं तो कांग्रेस में कुछ भी नहीं है। लेकिन पायलट साहब तो अपील कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए है वोट, इनके लिए नहीं है। अच्छा, हाँ, पायलट के लिए, इनके लिए नहीं है, प्रशांत के लिए नहीं है, अब बस उन्हीं के लिए है। अरे ये क्या बात हुई, ये क्या मतलब हुआ, समझाओ। मतलब ये है साहब, बार कोई ने किसी बात को नहीं पूछा, गाँव में कहीं लेकिन और कोई वजह है? जैसे लोग, कुछ लोग बोला कि प्रशांत बैरवा पायलट के साथ नहीं था इसलिए पायलट से गुजर नाराज है। नाराज हो, ये भी बात है। हाँ, यह बात भी सर। हाँ, ये भी बात है जी। देखो तो है साहब, वो तो लेकिन काम भी करवाते हैं ना कम से कम भाई। वो तो नाराजगी है, वो भी चलो कोई बात नहीं है, लेकिन काम तो करवाते हैं, दर्शन तो देते कम से कम। हमारे को पता तो रहता हमारा विधायक कौन है यहाँ से, हमारे को तो यही पता नहीं हमारा विधायक है भी नहीं है, अब की बार खाली रह गई कांग्रेस में, ये हाल है। अच्छा, अब ये भी आप ही के गाँव के लोग हैं, इनको भी रोकते हैं जरा गाँव के रास्ते पे। आप लोग यहीं रुके रहना, आप कहाँ, इसी गांव के रहने वाले हो? नहीं सर, मैं सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर को, क्या नाम है आपका? शिवराज केवट। शिवराज केवट। शिवराज जी, अब देखो क्या जुगाड़, देखो गांव में कैसे कैसा जुगाड़ होता है, एक जुगाड़ दिखाते हैं, यहाँ केंद्रित करो, ये जुगाड़ पकड़ा गया, देखो चाबी की जगह इन्होंने क्या लगा रखा, कैंची, ये ऐसा देखा है कोई? ये 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 चाब है ढक्कन खोलने के लिए, और अच्छा तो हमें लगा ये, अच्छा ओके मैं समझा चाबी है, तो ढक्कन खोलने के लिए कैंची रखा है, ये ऐसे ढक्कन खोलते हो, इसकी चाबी कहाँ गई? चाबी गुम गई। चाबी गुम गई, तो ये कैंची रखा हो, कैंची तो बीच में जरूरत हेयर कटिंग भी हो जाएगी इसी कैंची से। तो चलो सवाई माधोपुर के हो आप, तो चलो सवाई माधोपुर का ही एक लाइन बता दो, उधर क्या चल रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में सर कांग्रेस का ही चल रहा है ज़्यादा। कांग्रेस का ही? क्यों? सभी लोग कांग्रेस की करते हैं बात। अच्छा, किस नाम पूरा क्या बताया आपने? शिवराज केवट। केवट, ओके। तो लेकिन वहाँ टक्कर है कांग्रेस का, किरोड़ी लाल मीना और दानिश अबरार, ये सब?
सबके टक्कर है, इनको भी पता है लगता है। आप क्या सोच रहे हैं इस बार किसको लाना चाह रहे हो सरकार? नहीं बुलाओ। हाँ नहीं बुलाए, ये आपको बुलाएंगे। आप महिला हो, महिला भी उतना ही वोटर है राजस्थान में, हर जगह पूरे देश में। आप अपनी बात बोलो। अच्छा आप किसको लाना चाह रहे हो सरकार में? जय होगा जय सही जा। हाँ चलो ठीक है, आप सवाई माधोपुर के हो, जरा हम यहाँ से बात करते। तो सवाई माधोपुर से मोटरसाइकिल से ही आ गए यहाँ? नहीं सर, गौशाला में काम करते हैं। अच्छा गौशाला में काम करते हैं, ठीक है चलो अब इधर आ जाओ। हाँ अब इनसे फिर बात करते हैं। आप जाओ देखो कैंची लगाओ उसमें। तो हाँ अब बताओ क्या है नाराजगी, क्या है? एक तो ही बोल रहे हैं कि विधायक ने काम वाम नहीं किया। सब नाराजगी यही से विधायक ने काम वाम नहीं किया एंड कुछ भी का दो कि चलो बाहर से जा देखो गाँव में कहीं हाल है रिया से। हाँ कटे कौन जाओ है? हाँ। अच्छा तक कदा रहे रिया से। हाँ। तो हाँ। मोटरसाइकिल ये टायर जिम्मा ही गड़ गई है ना। हाँ। पहली बार तो नाराजगी में बात की से। हाँ। फिर दूसरी बात चिटिंगबाजी, हर बार पायलट जैसे अत्ता मोटर जीते वो तो चिटिंगबाजी करी पायलट के साथ कमेंट। हाँ पायलट साथ चिटिंगबाजी की। हाँ कौन सी चिटिंगबाजी थी? पायलट ने जीता ही छोटे भाग गयो। अच्छा हाँ भाग गयो क्यों? तो सरकार बचाना था तो अशोक गहलोत का साथ दिया, उसमें गलत क्या था? तो देव पायलट नहीं देते है, पायलट साहब को देते ना। पायलट साहब को देते साथ? हाँ अशोक गहलोत को दिया, गलत किया है? नहीं तो उन्हें देते ना, मगर नहीं बात है सरकार गिराने थोड़ी गए थे। हाँ। बात तो रखने सभी रखते हैं बात तो। हाँ। बात रखना कोई सरकार गिराना थोड़ी होता है सर। हाँ। ये होती है ना बात। हाँ। किसी की बात बेबाकी से रख रहे हैं, युवाओं की बात उठा रहे हैं या नहीं मान रहे तो वहाँ आगे जाके उठा रहे हैं। लेकिन उस समय तो माना गया ना कि बगावत हो गई, मानेसर चले गए। मतलब ये तो यहाँ अशोक गहलोत ने कहा हमने सरकार बचाने के लिए मानेसर गए, मानेसर कोई जिमने थोड़ी गए, मानेसर जिमना थोड़ी चल रहा था, ये तो इनकी अफवाहें थी। ये तो मानेसर गए, वहाँ गए, मानेसर कौन सा केंद्र बैठता है? अच्छा कौन सा आला कमान बैठता मानेसर में? गहलोत को पता है क्या लेकिन आला कमान कहाँ बैठता? ये तो बस सीट की चिपक के बैठा है यहाँ से। लेकिन ये बताओ गहलोत सरकार ने, लोग बोलते हैं काम तो बहुत किया पांच साल में, बहुत काम है। ये रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं साहब, रेवड़ियां बांटने, प्रचार कर रहे हैं, बैग दे दिए ना, लाल लाल बैग दे दिए, गहलोत जी मुस्कुराते हुए बाल उड़ते हुए ये दे दिए ना, ये रेवड़ियां है क्या है? ये पांच साल कहाँ सो रहे थे? मोबाइल आ रहे हैं साहब, मोबाइल कहाँ आ रहे हैं? किनको? हमारे पास तो नहीं है, यहाँ गांव में किसी के पास भी नहीं है। किसी को मोबाइल ना हो, कुनका की मोबाइल? और वो जो चिरंजीवी योजना वगैरह है? कोई योजना नहीं है, ये सब खत्म बातें हैं। नहीं नहीं चिरंजीवी वाले तो मुझे सैकड़ों बनाए हुई बातें हैं, चिरंजीवी में है वास्तव में मानते हैं जो एक दो जो है वो तो मानोगे ना है। वो हमें बहुत लोग बस स्टैंड जहाँ चौक चौराहे पे लोग मिलते हैं चिरंजीवी वाले है योजना। अनाज उनाज अन्नपूर्णा वाला वो किट ये सब तो मिलता है? हाँ ये किट में तो अभी हल्दी में क्या निकल रहा है? अच्छा ईंट बाटे निकल रहे हैं, का के मरे पब्लिक मर जाएगी। अच्छा है क्या इसमें? अच्छा। कोल की दिखा दो। लेकिन सिलेंडर भी गलत कर रहे हैं कि देंगे 500 में दे रहे हैं। यहाँ रामसाई जी आने वाले हैं अब की बार। हाँ। बीजेपी आने वाली है। हाँ। ये हरबाउता गांव है, ये तीर्थ स्थल है, ये महाराज जी का स्थान है यहाँ। हाँ। यहाँ वसुंधरा जी भी आती है, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। और इसमें देखो गाड़ियों की हाल देखो, अब गाड़ियाँ गड़ गई। और ये हमारे विधायक महोदय जी जो आते नहीं एक बार प्रणाम करने आ गए। भाई सड़क तो अभी पक्की दिख रही है मुझे यहाँ, अब ये धूल है, धूल तो मिट्टी की धूल है, सड़क तो पक्की है। गांव बाजार देखो आप। अच्छा चलो अब ये बताओ तो नाराजगी सिर्फ ये है, बड़ी नाराजगी इसका मतलब आपकी कि पायलट के साथ नहीं था? बड़ी नाराजगी ये है साहब, पहली बात नाराजगी ये है विधायक महोदय जी ने हमारे को दर्शन ही नहीं दिए कि हाँ। सीट खाली है या भरी है, पहली नाराजगी ये है। ओके। दूसरी बात ये है जो मानेसर आप ये चला रखे ना मीडिया वाले मानेसर वगैरह, ये कोई इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये फालतू की बातें हैं कहने का मतलब। अच्छा तो पिछली बार तो जो राम सहाय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, राम सहाय नाम है ना बीजेपी? हाँ, राम सहाय जी है। पिछली बार हारे भी तो थे वो पायलट साहब, और हारे थे 60-70 हज़ार मुझे लगता है, काफी वोट से हारे थे। आशा थी ना, आशा थी हमारे को भी, प्रशांत जी से आशा थी, कांग्रेस से आशा थी, भाई नए नए हैं ये भी विधायक मोदी जी। अब हमारे को ये पता थोड़ी है कि ये बिल्कुल ही कुछ भी इनमें सहारा नहीं है और ये लेके बैठ जाएंगे। इसलिए अब ये बताओ कि ये नाराजगी खाली इसीलिए पायलट वाली वजह से? यही तो मोदी जी का भाषण भी हुआ है, राजेश पायलट का नाम हम लेके वो इस्तेमाल कर रहे, पता है ना आपको? अजी तो हमारी बातों मेन वजह तो यही है। हाँ मेन वजह यही है, मेन वजह यही है। अच्छा सबसे बड़ी बात यही, अगर वो पायलट के साथ रहता तो आप लोग को उनकी मिले तन मरसू तैयार से। अच्छा हाई फाइव करो यानी जरा याद करते हो अपन वो। अच्छा हाँ पिछली बार आप लोग कांग्रेस के साथ थे। हाँ आप पहले भी, पहले किसके साथ थे? कांग्रेस जामे तो ठेठ हुई। अच्छा हाँ तो इस बार पलटी मार रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो पायलट है? ये जैसे पायलट पलटी मार रहे हैं सब, और कोई बजे को ना। लेकिन हम आओ गांव में और देखते, हो सकता है आप ऐसे करो बाकी लोग दूसरा कुछ करने वाले भी मिले गांव में। गौर मल्ला चलो तो जो कांग्रेस पार्टी का गांव है वो तो अब पूरे बीजेपी में पलटी है तो है ही सही, वो तो जाएगा। कांग्रेस पार्टी का ये कांग्रेस पार्टी का था और है
लेकिन अब बीजेपी में जाएगा पूरा वोट, नहीं तो कांग्रेस पार्टी का वोट बैठा है ना। अच्छा, इसलिए तो बैठा है भाई, कांग्रेस की नीति रीति सही थी। और अब युवा पायलट साहब बैठ रहे हैं तो और भी ज्यादा भविष्य है इसका। इसलिए लेकिन ये बताओ, जैसे जैसे 2013 में 2018 के पहले चुनाव में पायलट साहब के अलावा, पायलट साहब के अलावा कांग्रेस में आर पार तक साफ है, सुपड़ा साफ है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, केवल पायलट साहब की वजह से ये जो सीटें निकलेगी। तो आप अपने अपने समाज की बात कर सकते हो ना, पूरे राजस्थान में 200 सीट का आप कैसे तो राजस्थान में ऐसे बता रहे हैं ना, हम भी तो राजस्थान में रहते हैं, कोई बाहर से तो है नहीं, कोई विदेशी तो है नहीं ना। हाँ। जो लग रहा है वो तो बताएंगे ना। अरे लेकिन जैसे आपको लग रहा है वैसे हमको भी तो सैकड़ों लोग रोज पर रोड मिल रहे हैं, वो कोई बीजेपी बोल रहा है, कोई कांग्रेस बोल रहा है, क्या गहलोत बोल रहा है, कोई गहलोत की योजना बोल रहा है, बीजेपी का वोट साफ है। अच्छा, बिल्कुल बीजेपी। 2013 में गांव के लोगों ने किसको वोट दिया था? बीजेपी को दिया था इसको। 2013 की बात करो, 18 नहीं 13 बीजेपी को दिया था। हाँ, क्योंकि बीजेपी जीती थी 13। हाँ, और वो मोदी जी की वजह से है, और अभी भी वो वास्तव में पूरे मोदी जी की वजह से। इसी गांव के रहने वाले हो? एक मिनट, ये लो, रोकना रोकना भाई साहब, एक मिनट रोकना जरा रोकना। आप लोग इसी गांव के रहने वाले? अच्छा, इस गांव के सवाई माधोपुर। चलो ठीक है, आशा मीना। ये नई कहानी बोल रहे हो, किरोड़ी लाल मीना है भाई? किरोड़ी तो टक्कर में ही नहीं। क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह। किरोड़ी टक्कर में ही नहीं इनके हिसाब से। तो देखो क्या क्या अलग अलग रिएक्शन मिलता है। अब जरा हम चलेंगे गांव की तरफ, चलिए गांव की तरफ चलते हैं गांव की तरफ। चलो इनको भी रोका है, अब ये भी गांव जा रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ जी? राकेश गुजर। राकेश गुजर, गांव हरबाउता। हरबाउता, और विधानसभा निवाई, जिला टोंक। हाँ, तो क्या करते हो राकेश साहब? पढ़ाई करता हूँ सर। क्या पढ़ाई कर रहे हो? टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। तो कितने साल से मतलब ग्रेजुएट हो? हाँ। कहाँ से किया ग्रेजुएशन वगैरह? राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो ये बताओ, गांव में काम वाम हुआ है, विकास हुआ है, सड़क बिजली पानी? नहीं हुआ सर। है नहीं हुआ काम? जिस सड़क पे जा रहे हो सड़क तो अच्छी दिख रही है, यहाँ पे तो अच्छी नहीं? ये तो अच्छी है, ये तो पहले ही बन गई थी, लेकिन गाँव में तो बहुत हालत खराब है। अच्छा। हाँ, क्या काम नहीं हुआ है? रोडे वोडे में नहीं बन रही सही, नए नाले निकल रही है। अच्छा, और कीचड़ रहता है गाँव में। अच्छा। हाँ, ओहो हो हो, आगे लिखा हुआ है राम साहेब वर्मा जी। जी, तो आप इनके साथ प्रचार कर रहे हो? है जी, हम उनको ही जिताएंगे, राम साहेब जी वर्मा को। अच्छा जी, ये लोग इसी गांव के रहने वाले गाड़ी वाले? चलिए आगे जाइए। हाँ, आप लोग चलिए आगे, चलिए आगे, चलिए, कोई बात नहीं, आगे चलिए। तो पिछली बार किसको जिताया था आपने? पिछली बार प्रशांत जी बेरवा को। तो इस बार क्या बदल गया? उन्होंने कोई विकास ही नहीं किया। और कोई मुद्दा है? सचिन पायलट वगैरह भी कोई मुद्दा है? बिल्कुल, हम सचिन पायलट की वजह से दिए थे उनको वोट। सचिन पायलट तो अभी भी कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं? नहीं, हम तो अब रामसाई जी वर्मा को जिताएंगे। क्यों, ये तो बताओ ना, जब पिछली बार सचिन पायलट के कहने से प्रशांत बेरवा को दिए थे, इस बार क्या हो गया? नहीं, इस बार नहीं देंगे सर। अच्छा, क्यों नहीं देंगे ये तो बताओ? अब कारण क्या बताऊँ, तो नहीं देंगे। चलो चलो ठीक है, आगे बढ़ो गाँव की तरफ, देखते हैं। चलो आगे, चलो बेटा आगे, आप उधर जा रहे हो, चलो जाओ। गांव कितना दूर है यहाँ से? गांव कितना दूर है यहाँ से? ये है गांव तो इधर। चलो, मैं अभी लोग मिल जाएंगे ना गांव में बात करने वाले? बिल्कुल है। चलो ठीक, चलो आप, चलो आप, चलो। तो ये कहानी है गुजर वोटर्स की। शायद भूमिका में मैं बोल गया था 8 टिकट दिए थे गुजर को 2018 में, नहीं 10 टिकट कांग्रेस ने गुजर को दिया था 2018 में, जिसमें से 7 जीत गए थे। लेकिन 2018 में ही बीजेपी ने शायद 8 टिकट दिया था गुजर को, जिसमें से कोई भी नहीं जीता था। लेकिन उसके ठीक पहले अगर देखेंगे 2013 में, तब बीजेपी के 6-7 गुजर विधायक थे। आप लोग इसी गाँव के रहने वाले हो? हैं, कौन सा गाँव? हरबाउता। तो हरबाउता ही तो हम जा रहे हैं अभी पैदल ऐसे खोजते हुए। क्या नाम हुआ आपका? मोहनलाल जी। मोहनलाल गुजर? गुजर। तो जरा एक मिनट के लिए बंद करो ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठने दो उनको, आपको डिस्टर्ब करूंगा 30-40 सेकंड एक मिनट तक। आराम से, आराम। तो क्या करते हो, खेती करते हो? खेती करते हैं। तो क्या गाँव में काम वाम, विकास चुनाव चुकी है इसलिए जानना चाह रहा हूँ, 5 साल में काम वाम हुआ है गाँव में? नहीं नहीं, ऐसे तो काम वाम तो ऐसे छोटे मोटे तो होते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं है गांव में। सरकार की योजनाएं वगैरह पहुंची है गहलोत की कुछ?
गलौद की थी, आ रही है जो तो पूछ रही है साहब सही क्या क्या पूछ रही है? ये नरेगा की और चिरंजीवी वगैरह का लोग नाम लेते हैं। तो इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हो आप लोग? चुनाव में तो देखो बात तो ये है कि दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां जी, कौन कौन? बीजेपी और कांग्रेस, और एक वो प्रहलाद बैरवा, प्रहलाद भी खड़ा है कोई आरएलपी का? हाँ। तो टक्कर किसमें किसमें दिख रहा है? बस ये दोनों में देख रहे हैं हमको तो। पिछली बार जब हुआ था 2018 चुनाव में, तब तो पूरा गांव एक तरफ था, एक तरफ था सब, सबके सब, सब एक तरफ, प्रशांत को जिताई थी, सबने दिया था प्रशांत, क्यों दिया था तब सब? अब वो हमारी वजह थी, और सचिन पायलट जी है जी। इस बार क्या? इस बार नहीं है, अब अपनी अपनी पार्टी में। क्यों ऐसा क्यों? इसके क्या बीजेपी वाले क्यों आएंगे अभी इसमें? मतलब पिछली बार बीजेपी के वोटर भी आ गए? बीजेपी पूरे। अच्छा, जो बीजेपी के वोटर पहले थे वो भी 2018 में आ गए थे कांग्रेस? बिल्कुल आ गए थे गुजर सब जी। और इस बार कोई उधर चला गया है अपनी अपनी पार्टी में? तो आप 2013 में किधर थे? 2013 मतलब उसके पहले बीजेपी में? बीजेपी में, बीजेपी। अच्छा, और फिर 18 में कांग्रेस? अब दिए थे जी। अब इस बार? अब तो देखो पार्टी में देंगे। अरे तो आपकी पार्टी मतलब आपका? अच्छा, तो लेकिन सचिन पायलट प्रचार तो कर रहे हैं भाई, नेता तो है, करना तो पड़ेगा, वो तो राष्ट्रीय नेता, उनको तो अधिकार है, पार्टी का मालिक है। तो उस प्रचार से आपको फर्क नहीं पड़ रहा है? सचिन की बात जब 18 मानी थी, इस बार क्यों नहीं मानोगे? नहीं नहीं, वो उनकी बात नहीं बनी तब मान कर क्या करेंगे? कौन सी बात? गहलोत साहब ने नहीं माननी थी उनको। अच्छा, कौन सी बात नहीं मानने दी? मुख्यमंत्री बनाने की बात जो घोषणा की थी भाई, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही वही करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश राहुल जी करे थे, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ। तो राहुल जी ने घोषणा करी थी भाई, यही इनके नेतृत्व में लड़े जाएगा। अच्छा, ओ तो ये नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है गुजरों में। गुजरों में नाराजगी है? प्रशांत बैरवान काम वाम किया है कि नहीं इधर? नहीं, काम तो किया है, किसी ने किया है, लेकिन खास काम तो यहाँ तो नहीं। लेकिन नाराजगी मुख्य सचिन पायलट को लेके है? बिल्कुल है। सचिन पायलट आपके गाँव में वोट मांगने आ जाए कांग्रेस के लिए तो क्यों आएगा यहाँ पर? क्यों नहीं, क्यों नहीं आएगा? वो तो टोंके रहेगी या नहीं आएगा? नहीं नहीं। और क्यों लगता है नहीं आएगा? नहीं, हमको लग रहा है नहीं आएगा। प्रशांत बैरवा से उनका कुछ खटपट भी है? अब उनकी जानो, देखो है तो न तो वो उनकी जानो। आप लोग क्या सोचते हो? बस यही सोचते हैं, यही सोचते हैं। आप लोग इस बार किसको जिताना चाह रहे हो इधर से? बीजेपी वालों को जिताना चाह रहे। अरे इनको भी बोल ले दो, किसको जिताना चाह रहे हो बताओ? आप अपना बताओ। चलो कोई बात नहीं, महिलाएं जाइए। गांव कितना दूर है? गांव कितना दूर है? और इधर से भी तो रास्ता है? कोई बात नहीं, इधर से जाते हुए हम चले जाएंगे, गाड़ी ले लेंगे। आप गाड़ी बुला लो, गाड़ी बुला लो। देखिए भाई, अपने वीडियो मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों को लग सकता है आप इतनी कास्ट इक्वेशन पर क्यों बात करते हैं, कास्ट फैक्टर पर क्यों बात करते हैं, मुद्दों पर बात करिए। लोग यूट्यूब पर लिखने लगते हैं नीचे कमेंट में कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर बात करिए, योजनाओं पर बात करिए, असफलताओं पर बात करिए, आप क्यों कास्ट पर बात करते हैं। लेकिन राजस्थान घूमने के बाद कहीं भी चुनाव में ये लगता है कि इतना बड़ा फैक्टर होता है, इतने गुजर हैं, इतने जाट हैं, इतने मीणा हैं, इतने SC हैं, इतने ST हैं, ये सारे फैक्टर बहुत मैटर करते हैं। और चुनाव में आखिर आते आते सारे जो कोर इशू जिनको आप कहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, वो थोड़े किनारे हो जाते हैं और अंत में सारा फैक्टर आ जाता है कास्ट फैक्टर। और उसमें अपनी जातीय अस्मिता है, जातीय पहचान है, और जातीय उनके जो हीरो हैं अपने हिसाब से, उस हिसाब से भी कुछ तय करते हैं। और इन सब के बाद एक लोकल फैक्टर, लोकल इशू, लोकल कैंडिडेट, लोकल विधायक, उसने काम किया नहीं किया, वो और गुजर वाला जो फैक्टर है जो बहुत अहम है। मेरे ख्याल से इस चुनाव का एक निर्णायक फैक्टर जो होगा पूर्वी राजस्थान का, वो ये फैक्टर होगा। अच्छा, ये तो सेम लड़का है, चलो, तो ये फैक्टर भी होगा। इसलिए मैं इधर गांव की तरफ आया हूँ, चलते हैं अब गांव में। एक और आदमी देखो आए, एक मिनट रुकना भाई साहब, हम तो देखो पैदल आपके गाँव की तरफ जा रहे हैं। इसी गाँव के रहने वाले? यही गाँव। हर क्या नाम है? हर बहुता। क्या नाम हुआ आपका? शिवपाल गुजर। शिवपाल गुजर जी, हम तो समझने जा रहे हैं कि इस बार गुजर समाज के लोग इस चुनाव में क्या सोच रहे हैं। बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। और पिछली बार क्या किया था? पिछली बार कांग्रेस में। तो पिछली बार कांग्रेस में, इस बार बीजेपी में क्यों? अब की बार बीजेपी में दे रहे हैं। क्यों ये बताओ? अभी तो सब पूरी गुजर समाज के सभी बीजेपी में दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी बीजेपी की। क्या करते हो आप?
मैं तो डेयरी का काम करता हूँ। तो पिछले मुझे बताया कई लोगों ने हाईवे पे, रोड पे भी और अभी भी पीछे कि पिछली बार पूरा गांव जो है गुजर समाज एकजुट होकर प्रशांत बैरवा को कांग्रेस को दिया था। पायलट साहब की वजह से। अच्छा, तो पायलट साहब तो अभी भी कांग्रेस में हैं? कांग्रेस में है, उनकी सीट के चक्कर में दिया था, सीएम बनाने के चक्कर में। अच्छा, अब की बार नहीं दे रहे। अच्छा, तो सीएम बनाने के चक्कर में दिया था, लेकिन वो तो रैली कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कैंडिडेट के लिए। वो मांग रहे हैं वोट, वो बात नहीं है पहले वाली। अच्छा, हाँ। तो आपका नेता, आप अपना किसको हीरो मानते हो नेता पॉलिटिकल लीडरशिप में? सचिन पायलट को मानते हैं। हीरो सचिन पायलट को मानते हो? वोट सचिन पायलट के खिलाफ पार्टी को करोगे? नहीं तो सचिन पायलट के खिलाफ ही, इसके अलावा कोई और कैंडिडेट होता उसको वोट करते, इसको नहीं करेंगे। प्रशांत बैरवा को नहीं करेंगे? नहीं। क्यों प्रशांत बैरवा क्यों नहीं करेंगे? जो पार्टी अलग बनाने के चक्कर में वहाँ से रास्ते से भग गए, वापस उनके साथ नहीं रहा पायलट साहब के। कब भग गए? जो इन्होंने वहाँ पे मीटिंग कुछ की थी वहाँ पे, मानी सर वगैरह। ओ, मतलब उस समय सचिन पायलट के साथ नहीं दिया। तो भाई वो तो ये कह सकते हैं कि सरकार बचाने के लिए गहलोत के साथ थे, सरकार खतरे में थी। कौन सी सरकार खतरे में थी? वो गहलोत की सरकार खतरे। तो अब गहलोत को तो नहीं बुला रहे हो वोट मांगने के लिए, पायलट को क्यों बुला रहे? पायलट साहब का सहारा क्यों ले रहा वो? अच्छा, खुद ही मांग ले आके वोट, प्रचार करने नहीं आता वो यहाँ पे। कौन? प्रशांत बैरवा। अच्छा, कहीं भी यही नहीं, गुजरों के गांवों में कहीं नहीं गया। गुजरों गांव प्रशांत बैरवा जा ही नहीं रहा? नहीं साहब। अच्छा, तो हाँ, गुजर वोट कितने? वो ये बोलता है गुजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे। अच्छा, हाँ। गुजर वोट कितने हैं यहाँ? यहाँ पे तो कोई ज्यादा नहीं, यहाँ नहीं, मतलब आप ये निवाई सीट में? निवाई सीट में तो ज्यादा है वोट। चलो ठीक है, तो इस गांव में इस बार पूरा बीजेपी को, कुछ तो उधर भी होगा, दोनों तरफ होगा। हाँ, 10-5% हो सकता है, बाकी बीजेपी में होगा। सचिन को लेके गुस्सा है? देखिए, ये सब लिटमस टेस्ट है समझने के लिए, इस सैंपल से आप समझेंगे। और अभी क्या हुआ, दिवाली के बाद पहले जितने पोस्टर लग रहे थे राजस्थान में, अशोक गहलोत शुरुआती में सिर्फ अशोक गहलोत सारे पोस्टर में थे, बाद में गोविंद डोटासरा जुड़े। जब गोविंद डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो जाट समाज के हैं, थोड़ी तनातनी हुई उनकी, उनका एतराज़ था कि पोस्टर में हम क्यों नहीं, तो फिर पोस्टर में गोविंद डोटासरा आए। फिर उसके बाद दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद शायद उसी आसपास पोस्टर में पूर्वी राजस्थान में खास तौर से गोविंद डोटासरा की जगह सचिन पायलट आए अशोक गहलोत के साथ। क्यों? क्योंकि ये एहसास हुआ कि सचिन पायलट के समर्थक नाराज़ हो रहे हैं, जिसमें ये गुजर समाज खास तौर से है, युवा वोटर बाकी समाज के भी होंगे, लेकिन मैं अभी गुजर बिरादरी की बात करूँ क्योंकि बार बार बात हुई रही। तो सचिन पायलट पोस्टर में तो आए, सभाएं कर रहे हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि वो चुनिंदा सभाएं कर रहे हैं। जो सचिन पायलट के कैंडिडेट हैं, सचिन पायलट के सपोर्टर समर्थक हैं, सचिन पायलट के साथ जिन्होंने दिया था, सचिन पायलट का साथ दिया था, या जो सचिन पायलट के गुड बुक में है, जिनको सचिन पायलट ने टिकट दिलाने में भूमिका निभाई, उनके इलाके में सचिन पायलट तो जा रहे हैं, और कुछ लोगों के इलाके में जा रहे होंगे जिनसे उनकी कोई ऐसी खटपट नहीं रही होगी या जो उनके बैड बुक में नहीं है, बाकी जगह सचिन पायलट नहीं जा रहे या कम जा रहे होंगे। जैसे दानिश अबरार का जिक्र हुआ कि दानिश अबरार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो सवाई माधोपुर से कांग्रेस के विधायक हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो चाहते थे कि उनके इलाके में सचिन पायलट आएँ, और पहले सचिन पायलट के आदमी थे लेकिन बाद में उन्होंने पाला बदला। तो दानिश अबरार के इलाके में वो चाहते थे जाएँ, लेकिन सचिन पायलट शायद नहीं गए, ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ। तो ये सब कहानी है लोकल फैक्टर। एक गाड़ी और आ रही है इधर, जरा एक मिनट रोकेंगे, एक सेकेंड। इसी गांव के रहने वाले हो आप? नहीं। हाँ चलिए, जाइए। लोग एक्चुअली हाईवे से लोग डाइवर्ट भी हो रहे होंगे। इस गांव के हो? नहीं। चलिए, तो ये सब फैक्टर है। और क्या होता है, 25 से 30 सीट ऐसी होती है चुनाव में, है पिछली बार भी थी, जहां हार जीत का फासला 1000 से 3000 वोट से हो जाएगा। तो 1000 से 3000 वोट से अगर 25-30 सीटों का फैसला हो जाता है, तो समझिए कि क्या फ़र्क पड़ता है चुनाव में, अगर इस तरह से नाराज़गी की खबरें आती है। तो उसको कांग्रेस चाहती तो पहले से एड्रेस कर सकती थी, करने की कोशिश भी हुई होगी, लेकिन नतीजा सामने है। वही सिकराई को लेकर भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि दौसा ज़िले की सिकराई सीट है, वहाँ जब मैं गया था तो ऐसे गुजरों में नाराज़गी थी। अब इधर रास्ता है, देखते हैं, गाँव की तरफ चलते हैं। ये देखिए, 3-4 लोग बैठे मिले दुकान पर, यहाँ दोपहर का टाइम है, हम लोग आ गए हैं दिल्ली वाले। बैठिए बैठिए बैठो, इधर जगह है मेरा, आप इधर बैठो, आप यहीं बैठो, जा नहीं नहीं वो नहीं बैठेंगे, आप आ जाओ, आप बैठो यहाँ पे। वो लोग कैमरा वाले हैं ना, वो काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका?
क्या नाम है? कजोड़ है। कजोड़ है। हम लोग मीडिया वाले हैं दिल्ली से, चुनाव में ऐसे घूमने के लिए, पूछने के लिए। मीडिया तो समझते हो ना आप लोग? समझे ना। तो ये हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, चुनाव है ना परसों, वोट है? हाँ वोट है। तो इस बार इधर से किसको जिताना चाह रहे हो आप लोग? अवंडी तो नरा एरिया से खड़ा, तो है खड़ा तो नरा एरिया से। क्या करें, खड़ा तो नरा है, मतलब खड़ा तो तीन चार एरिया से। हाँ तीन चार है। हाँ तीन चार है। प्रशांत बैरवा, प्रशांत बैरवा है। हाँ एक राम साहिब वर्मा है। हाँ एक कजोड़ सांसी। हाँ एक प्रहलाद बैरवा, एक प्रहलाद बैरवा, एक जाड़ वालों से बैरवा। कई चार खड़े हैं, चार पाँच हैं। तो चार पाँच में इस बार किसका जोड़ चल रहा है इधर? गांव गुजर का है ना पूरा गांव गुजर। संघ के बैठ रहे हो कौन का है अभी ये टाइम तो कहीं बैठ रहे हो कौन? अच्छा तो गांव गुजर का है ना, ज़्यादा लोग गुजर हैं। आप सब लोग गुजर समाज के हो हैं? हाँ उनसे नेता है, नेता जी हैं। किस ये किस पार्टी के नेता हैं, किस पार्टी से जुड़े हैं? कांग्रेस पार्टी से। अच्छा तो कांग्रेस पार्टी से हैं, क्या नाम है आपका? शिवपाल गुजर। शिवपाल जी, लेकिन यहाँ तो मैं रोड पे बात करते हैं, लोग बड़ी चिंता जता रहे हैं इस बार, कह रहे हैं कांग्रेस का वोट यहाँ बड़ा गायब है गुजरों में। अब देखो सभी को अपना अपना है बताने का। हाँ इधर आइए जरा, इधर आइए, यहाँ आइए जरा, आपसे बात करते हैं, यहाँ आ जाइए। हाँ कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी पार्टी की बात करेंगे। हाँ क्या करिए, क्या कर रहे हो आप? ये भाई अपनी अपनी पार्टी भी कर रहे हैं सब। हाँ कर रहे हैं सब। लेकिन गुजर इस बार थोड़ा कांग्रेस से नाराज है? नहीं सर, सचिन पायलट थोड़ी सचिन पायलट से क्या सचिन पायलट ने थोड़ी छोड़ा ना। अच्छा अब आप बताओ कि हकीकत क्या है, यहाँ स्थिति क्या है? सर आप कौन से मीडिया से? मेरा नाम अजीत अंजुम है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं देश भर में घूमता रहता हूँ। बहुत बहुत हार्दिक बधाई, आपको तो टीवी में कई बार देखा। हाँ वीडियो घूमता रहता हूँ पूरे राजस्थान चुनाव में। आप जो हमारे गांव पधारे पहली बार, मेरे शक्ल से देख रहा था मैं, कुछ आप देखे हुए। अच्छा बहुत टीवी में देखते हैं जी जी, हर बार बहुत 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 धन्यवाद। आपका घर यही है? नहीं सर, गाँव पीछे है। ये बड़ा अच्छा घर है, किसका घर है ये? हमने फूलचंद जी लांगड़ी का है, जो जोधपुरिया ट्रस्ट के अध्यक्ष है मंदिर के। अच्छा अच्छा मंदिर भी है ना यहाँ गांव में? ये आश्रम है, आश्रम है बालकानंद जी महाराज, बालकानंद जी महाराज का आश्रम हमारा गांव था, यही आश्रम है सामने। अच्छा तो ये बताइए कि अब गांव की स्थिति इस गांव में क्या है जरा बताइए। आज सुनिए एक काम करते हैं, उसी शर्त पर आप पांच छह चाय कड़क, अदरक भी है? हैं अदरक है, अदरक डाल के पत्ती कड़क चीनी कम छः सात चाय बनाइए, और आप 10 रुपये की एक चाय होती है ना, पाँच की बड़ी सस्ती क्यों देते हो, थोड़ी महंगी करो, 5 रुपये तो बहुत कम हुई। सबको लोगों को चाय हमारी तरफ से पिलाओ, हमारे तीन चार लोग हम लोग हो गए, हमारा ड्राइवर पाँच और चार। अरे आप सुनो ना ये छोटी चीज, आज हम यहाँ चलो आप काम की बात करते हैं, उसको छोड़ो चाय की छोड़ो, उधर ध्यान मत दो, उधर वो लोग बीच में हम पानी ला देंगे। अब ये बताओ ऐसे कि अच्छा हो गया चार पाँच लोग यहाँ आ गए, पैदल चलते चलते हम यहाँ पहुँचे। अरे 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 ये तो आवाज़ डिस्टर्ब करेगा, रुक जाओ फिर, रुक जाओ फिर, रुक जाओ, इसके बात करने के बाद ही चाय बनाना, आवाज़ डिस्टर्ब करेगा। हाँ कम पे चलो। अब ये बताओ क्या स्थिति है चुनाव की इस बार? अब स्थिति तो अच्छी है सर। अच्छी तो नहीं दिखी, रोड से आते हुए बड़ी बुरी दिखी गांव में। अच्छा अच्छा मुझे तो जितना 6-7 लोग मिले उसमें एक भी सपोर्ट में नहीं मिला। अब देखो सर सभी लोग हैं, सभी पार्टियों के हैं अलग अलग सब अपनी, लेकिन सड़क से यहाँ आते आते जो 6 लोग मिले उसमें आपकी पार्टी का कोई नहीं मिला। अब नहीं है तो नहीं है साहब, उसका तो अपन भी क्या करें। सब बोल रहा है कि हमने पिछली बार तो सचिन के नाम पर 2018 में वोट दे दिया था, सारे गुजर जो बीजेपी वाले थे वो भी, कांग्रेस वाले थे वो भी। इस बार अब सब अपनी अपनी पार्टी पे चले गए तो ज्यादातर बीजेपी में चले गए। हाँ तो वो तो जो जो लोग, हाँ बात तो सही है, लेकिन वो ऐसी कोई बात तो है नहीं, लेकिन जो सब लोग अपनी पार्टियों के हैं सब अपनी पार्टियों में। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो? कार्यकर्ता हूँ, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा हूँ। अच्छा तो लेकिन इस बार लगता है इस गांव से आपका सुपड़ा साफ हो रहा है? नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है, यही हो रहा साहब, यही हो रहा सुपड़ा साफ है गांव से, सुपड़ा साफ हो रहा है। 5 साल में विधायक साहब हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं करवाया, कभी आए नहीं, कभी किसी को बूझे नहीं, ये नहीं बूझा कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो आप, गांव में चल के देखो पानी भरा है यहाँ पे, ऐसी स्थिति हो रही है। 5 साल हो गए, 5 साल में ये की स्थिति रही है। इस बार इसमें से नाराज है प्रशांत जी से। क्या नाम है आपका? सोरा लांगड़ी। तो इस बार आप क्या चाह रहे हो, प्रशांत जी से नाराज हो तो आप किसको देख रहे हो इस गांव से विधायक? राम साहिब वर्मा को, बीजेपी। आप क्या सोच रहे हो इस बार? नहीं, मैं तो अंडा छुएंगे। क्या बोले या के नहीं रहने वाले आप क्या सोच रहे हो? हां वही बात ही है, वही बात जो ये बोल रहे हैं। हां तो पीछे हैं मुड़े यार जो बात
लेकिन पिछली बार आप लोगों ने किसको वोट दिया, किसको जिताया? प्रशांत जी बैरवा को वोट दिया था, बहुत भारी मतों से जिताया, 43,000 वोटों से जिताया कि भाई जीते यहाँ से। और हमारे गांव में से 700 वोट पड़े थे, उनमें 80 वोट बीजेपी को गए थे और पूरे वोट 620 वोट यहाँ से कांग्रेस को देके भेजे थे। अब ये देखिए, बड़ा विश्वास था कि प्रशांत जी हमारे काम करवाएंगे, नया आदमी है और नई बढ़िया पार्टी है, उनकी सरकार बनी थी, वो बिल्कुल काम नहीं करवाया। अब की बार बीजेपी सरकार बन रही है, हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, सरकार तो जिसकी बन रही है वो 3 दिसंबर को, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि 700 वोट है, 80 वोट बीजेपी पड़े, बाकी सब कांग्रेस को पड़े। 620 वोट हम कांग्रेस को देके भेजे थे प्रशांत जी को, परंतु उनको देखा ही नहीं कभी। अगर भाई 620 वोट हमारे हर बहुमता से आए हैं, तो ये बताओ 620 वोट अगर कांग्रेस को दिए, 700 में इतने बहुत होते हैं, तो अगर हम 5 साल पहले चले जाएं 2013 में, तब क्या हुआ था यहाँ? जिस टाइम पे आधे आधे दिए थे हम, अच्छा आधे इधर वोट पड़े थे, 300 कांग्रेस में 300 बीजेपी के अंदर गए। तो उस समय प्रशांत बैरवा के नाम पे हुआ, सचिन पायलट की वजह से इतने वोट गए? प्रशांत बैरवा और ये रामसाई जी थे उस टाइम पे भी। नहीं नहीं, 2018 लाल जी थे, 18 की बात कर रहा हूँ, 18 में तो प्रशांत जी, हाँ सचिन पायलट जी के नाम से दिए थे हम। और प्रशांत जी भी हमारे यहाँ के पास के रहने वाले हैं, उनको भी हम जानते हैं, तो उनके नाम से हम दिए थे। हाँ, तो अब ये बताओ कि तो आप कांग्रेस, हालांकि ये भी बताओ कि मैं आमतौर पर सीधे जो कांग्रेस या बीजेपी किसी दल से जुड़े कार्यकर्ता नेता होते हैं बिल्कुल बात नहीं करता हूँ, यहाँ तक कि कोई भी आ जाए फ्रेम में मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, लेकिन यहाँ आते आते अब यहीं ये मिल गए तो इन्होंने बताया वो नेताजी हैं, तो मैंने कहा चलो आज इन्हीं से नेताजी से पूछ लेते हैं कि जिस गाँव में आप बैठे हो, जहाँ आपको नेताजी कह रहे हैं वहीं आपका सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। अभी तो सब लोगों की इच्छा, क्यों इच्छा ऐसी है कि इस बार नाराज लोग लग रहे हैं? सीधी सी बात है, लोग कह रहे हैं प्रशांत बैरवा ने काम नहीं किया, 5 साल गांव नहीं आया, वोट मांगने नहीं आए, वो गुजरों गांव नहीं गए, या गांव में जो सड़कें इधर देख रहा हूँ सब खरंजा भी ठीक से नहीं लगा हुआ है। सबकी अलग अलग भावना है सर, अब जो उनकी भावना है, जो उनके है, जो बात है वो तो अब आप बता दो कि जो नहीं, आप तो यहाँ हो तो आपको हमसे ज़्यादा पता होगा, मेरा तो इस गांव से अभी 1 घंटे का रिश्ता बना है, नाता बना है 1 घंटे आने में, आप इस गांव में यहीं रह रहे हो तो आपको ज़्यादा पता होगा ना, नाराज़ हैं तो क्यों हैं या हैं कि नहीं है? अब ये तो देखो, जो सिटिंग विधायक रहता है उसके खिलाफ हो जाता है, कुछ ना कुछ नाराजगी हो ही जाती है। अरे लेकिन बहुत सिटिंग विधायक 3 बार जीतता है, वाजिब बात बोलो आप, वाजिब बात नहीं। अगर कभी 5 वर्ष में आपका विधायक यहाँ पे आया हो और कोई काम करवाया हो तो आप बोलो ना, उसमें क्या दिक्कत है बताओ? नहीं, वो 5 बार में 1 बार भी विधायक आया, 5 साल में, माफ करें 5 साल आए थे, हम भी वोट दिए थे उनको और आप भी वोट दिए, तो 5 वर्ष में काम नहीं किया, इस वजह से हम वोट नहीं दे रहे हैं। अब ये बताओ 5 साल में प्रशांत बैरवा इस गांव में एक बार भी नहीं आया? नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। अच्छा, अब आप बताओ एक बार भी आए? नहीं आते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं। आप देखो ये कहते आते हैं आपका, तो बस खाली हमारा आज के डॉग देने आए थे अभी। हाँ। जो टिकट मिलते हैं अभी प्रचार में आए, उनके पहले कभी भी, वो तो मंदिर में माथा नवाने झुकाने कभी भी, हाँ मंदिर में माथा टेकने आए थे, माथा टेक उससे माथा सब टेकते हैं, जो कैंडिडेट होता है वो सब टेकते हैं, वोटों के लिए हमारे पास नहीं आए वो, तो इस बार वोट मांगने भी नहीं आया? नहीं आया साहब, बिल्कुल लीजिए, अब वोट मांगने ही नहीं आया प्रशांत बैरवा, तो वोट कहाँ, तो वोट क्यों मांगने नहीं आया? उनको लगा कि गुजर के गाँव वोट नहीं देंगे? उसको पता नहीं, उसको 600 वोट देके भेजे थे कई बार, इसलिए नहीं आए वो, तो हम अपने हैं क्या। आप भी जरा इधर आइए, क्या नाम है आपका? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? दयाशंकर गुजर। तो इस बार किधर माहौल, इधर क्या पलटी मार रहा है इधर? हाँ जी, राम साहेब वर्मा का ही है। क्यों, वो प्रशांत जी तो आता ही नहीं? अच्छा, विराजमानो। हाँ, तो क्या हुआ इस बार लोग नाराज? सचिन पायलट भी फैक्टर है, लेकिन गहलोत की इतनी योजनाओं का जिक्र होता है, वो योजनाएं तो गांव में भी होगी ना, चिरंजीवी हो चाहे वो, उनका फायदा मिला है, चिरंजीवी योजना का फायदा मिला है, गहलोत सरकार का फायदा मिला है लोगों को, परंतु प्रशांत जी ने यहाँ आके कोई काम नहीं करवाया, कभी किसी को बूझा नहीं। तो आपको गहलोत सरकार से नाराजगी नहीं, आपको प्रशांत बैरवा से नाराजगी है? वो काम ही नहीं करवाया, नाराजगी ऐसे नहीं है भाई, हमारा कोई गुरु मसला है या कोई गुरु दुश्मनी है, वह नहीं है, लोकतंत्र में सब काम करवाते हैं, उनको जिताते हैं और लोकतंत्र में वोट भी इसलिए देते हैं। हाँ। भाई हमारा काम करेगा ही, पर कोई काम नहीं किया 5 साल में, आके यहाँ पे बूझा भी नहीं किसी को। सही बात है जी सर। और सरकार की योजनाओं का फायदा मिला कि नहीं, जो गहलोत इतनी योजनाओं का? योजनाओं का पूरा पूरा फायदा। जैसे किस योजना का? जैसे BPL का। हाँ। कोई मोबाइल का। हाँ। जो राशन मिलता है उसका, चिरंजीवी योजना का, वो सब फायदा मिला? सब फायदा मिला, बस खाली प्रशांत बैरवा नहीं आया। हाँ। उसके अलावा कोई वजह है कि प्रशांत बैरवा सचिन के खेमे में नहीं है, ये सब भी गुजर? नहीं नहीं, वो खेमे की कोई बात नहीं है, वो तो आया ही नहीं कभी। चलिए, बहरहाल तो ये आप मोटे तौर पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ कहानी क्या है, तो ये तो इस बार तो आपका यहाँ लगता है डब्बा गोल, इस गाँव में तो डब्बा गोल। नेताजी को भूलो आप,
अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के और इनका कैंडिडेट की बात चल रही है यहाँ पे भाई, वह नहीं आया तो अगर हम गलत बोल दें इनको बोल लो भाई, कभी गाँव में आपको गाँव में चलने के लिए दिखाएंगे, पानी भरा है पूरा गाँव में, नाली टूट रही है, सड़क टूट रही है, कोई भी काम नहीं करवाया 5 साल में। आप इसी गांव के रहने वाले हो? आपसे बात करते हैं उसके बाद हम चाय पियेंगे। क्या नाम हुआ? शिवराज। शिवराज गुजर? गुजर। तो नाराजगी है कुछ कैंडिडेट से? नाराजगी है सरकार से? नाराजगी नहीं, पसंद बैरवा से नाराजगी है, 5 साल में अंदर नहीं आया। अच्छा, सरकार से नाराजगी नहीं है? हां, गलौत से नाराजगी नहीं है? नहीं, गलौत से कहना है पसंद को नहीं हो तो बिल्कुल गोड़ा गोड़ा का दो इस गाँव में। अच्छा, यह से बात अंडर तो राम साहिब वर्मा जिंदाबाद। चलिए, इससे आपको अंदाजा लग गया कि इस गांव में जो गुजर बहुल गांव है जहां सारे वोट गुजर दिए थे उसको? हाँ, बिल्कुल नहीं है, अब कभी नहीं आया गाँव में तो गए बिल्कुल महाराज की डोक दे। चलिए ठीक है, अब इससे अंदाजा लगाते रहिए और हम चले नहीं, चलो और हम अब चाय पियेंगे। चाय पियो? हाँ चाय पियेंगे। हाँ चाय पियेंगे और उसके बाद हम किसी और इलाके की तरफ चलेंगे। सिर्फ सेंस आपको होना चाहिए, ये मेरा मकसद था कि जो जातीय समीकरण है वो समीकरण कई बार कैसे नतीजों को उलट पुलट देते हैं और उसके क्या क्या फैक्टर होते हैं। बीजेपी वोट मिले थे यहाँ पर, पूरा टोटल कांग्रेस में वोट दिए थे यहाँ पर। हाँ बताया सबने, बीजेपी मुझे नाराजी। चलो ठीक ठीक है, समझ गए। चल यही समझने के लिए मैं इतना पैदल धूल धक्कड़ में चलता हुआ यहाँ आया। तो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, हम चाय पियेंगे और फिर देखते हैं, वक्त कम है, आज ही चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, बिल्कुल वक्त नहीं है, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।